कितने इंच के स्पीकर चल जाएंगे? 12 इंची का, 4 स्पीकर, 8 स्पीकर, 10 स्पीकर चलाएगा ये। 4K2 बेस चलाने के लिए 4K2 ले लेंगे आप। ये देख सकते हो रिले तो व्हाइट कलर के लगे हैं। MOSFET इसमें भी 40 है? 40 MOSFET है सेम। सो दोस्तों ये देख सकते हो, ये है शॉप के ओनर। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल तिवारी है। राहुल, ओके। तो सर टोटल आप जितने भी एम्पलीफायर है उसमें ही डील करते हो या फिर और भी है, मिक्सर वगैरह? एम्पलीफायर मिक्सर सारे हैं हमारे पास। स्पीकर भी सेल करते हो? स्पीकर नहीं है। स्पीकर नहीं है, एम्पलीफायर और मिक्सर। मिक्सर, ओके। सबसे पहले यहाँ से हम शुरुआत करना चाहेंगे। ये कौन सा मॉडल है? 5000। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। 7 माइक लगेगा क्या इसमें? 7 माइक के साथ, ठीक है। रिकॉर्डिंग होगी इसमें? रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ब्लूटूथ है? ब्लूटूथ है। SD कार्ड लगा सकते हो, USB लगा सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम कंट्रोल 3 है, ट्रेबल, बेस ट्रेबल और मास्टर वॉल्यूम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। यूनिट चल जाएगा। और स्पीकर भी चला सकते हैं जागरण वगैरह के लिए, यही से भजन कीर्तन के लिए बेस्ट है। 12 घंटा चलाइए, आराम से चलेगा। ओके, अगर मैं प्राइस की बात करूं, कितने तक तो मिल जाता है ये? 17-18 हजार तक मिल जाएगा। और जितने भी आपके इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स है ओरिजिनल है, ओके। वारंटी है इनके साथ? वारंटी वन ईयर की, ठीक है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, PTH 7000, ठीक है। इसका मॉडल नंबर है। ये बूस्ट के लिए बेस्ट है या फिर ये डीजे के लिए है? डीजे के लिए ना, गांव वगैरह, देहात वगैरह, जैसे लाइट कॉम्पिटिशन के लिए जनरेटर से चलाते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, DC से चलेगा? नहीं, AC से चलेगा, ओके, जनरेटर से चल जाएगा AC, ठीक है। अगला मैं दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हो कितना हैवी मॉडल है इनके पास। मिक्सर भी मिल जाएंगे, ठीक है। 3 चैनल के मिक्सर है इनके पास, ठीक है। हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो इजीली, इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ है, इजीली बेस्ट है। और इसमें 3-4 मॉडल है आपके पास? 4 मॉडल है, SM6 है, SM8 है, डीजे मिक्सर है, SM120 है। वो देखो सारे मिक्सर, वो भी हम कवर करेंगे। ओके, ये वाला देख लेते हैं। ये वाला कौन सा एम्पलीफायर है भैया? अमेरिकन साउंड है, अपना ही ब्रांड है अमेरिकन साउंड। अमेरिकन साउंड खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? खुद की मैन्युफैक्चरिंग, अपना ब्रांड है। ओके, कितने वाट का होगा ये? 1200 वाट का है। 1200 वाट का, ओके। क्या प्राइस होगा 1200 वाट का? 1200 वाट का प्राइस तो डीलर प्राइस है, मैंने रेट लिख दिया रहता है, डीलर को डिस्काउंट करके आपको दे देंगे। काफी डिस्काउंट मिल जाएगा ना, ओके। बाकी ये देख सकते 6601 है, USB है इसके अंदर, माइक है, A1 माइक है, इसका वॉल्यूम कंट्रोल है और इसमें बस टेबल दिया हुआ है, मेड भी है, साउंड भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। SD कार्ड लगा सकते हो, ऑक्स अलग से लगा सकते हो और बेस्ट क्वालिटी में ये आपको। कितने इंच के स्पीकर चल जाएंगे ये? 12 इंची का, 4 स्पीकर, 8 स्पीकर, 10 स्पीकर चलाएगा ये। जागरण के मतलब का ये भी है, ये भी आपको उसी रेंज में मिल जाएगा। इसमें माइक ज्यादा है, 501 है, माइक वाला है, ये भी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। 4 माइक लगा सकते हो इसमें, ठीक है। 15 इंच की स्पीकर आराम से बजा देगा है। कितने वाट का होगा ये? 1200 वाट है। 1200 वाट का मतलब 600 वाट के 15 इंच के 2 स्पीकर चला देगा आराम से, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सेम एक ही मॉडल है ये, 601 है बिना USB का, बिना USB का, 701 है बिना USB का, बेस्ट क्वालिटी है, कॉपर है बिल्कुल, इसके अंदर कॉपर डाला हुआ है। अच्छा, 20-21 इंच के स्पीकर बजाने के लिए, 2000 वाट के स्पीकर बजाने के लिए कौन सा बेस्ट एम्पलीफायर है? 2000 वाट स्पीकर बजाने के लिए आपको बड़े सेट पे जाना पड़ेगा, डबल चैनल पे, ठीक है। चलते हैं बड़े सेट पे। 4K2 बेस चलाने के लिए 4K2 ले लेंगे आप। ओके, 3K2 ले लेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी कॉम्पोनेंट्स देख सकते हो दोस्तों, ये कैपेसिटर देख लो कितने लगे हैं, 8 कैपेसिटर लगे, ओरिजिनल लगे हैं ना सारे? ओरिजिनल लगा हुआ है, ठीक है। और इसके जो स्पेयर पार्ट्स अगर खराब भी हो जाए तो मिल जाएगा आपको? जाएगा हमारे पास। अगर MOSFET कितने होंगे इसमें? इसमें 40 MOSFET लगे होंगे, 40 MOSFET है, ठीक है। 4000 पंखे लगाए हमने, 4 फैन है, कोई हीट होने का कोई सवाल ही नहीं है, सवाल नहीं होता, 4 फैन लगा हुआ, देखेंगे DC फैन है। और ये कितने वाट का होगा?
ये 4000 वाट का है सर। 4000 वाट ठीक है, मास्टर वॉल्यूम दे रखा है, मतलब भयंकर वाला तगड़ा वाला साउंड होने वाला है। ठीक है, जैसे कि सर ने बताया 21 इंच का स्पीकर 2000 वाट का आराम से चला देगा दो। ठीक है, तार इसके अंदर जो हमने ये कॉइल है कॉपर का, हैवी क्वालिटी का 13 नंबर का तार डाला हुआ है, 13 नंबर मोटा है, कभी हैवी होता है। और इसमें हमने बीच क्रॉसओवर वगैरह सब स्पेशल दिया हुआ है, क्रॉसओवर अलग से। ओके, ये इंपोर्टेड क्रॉसओवर है, छोटा क्रॉसओवर बड़ा धमाका। ओके, बहुत बढ़िया। अगर प्राइस की बात करूं, आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना पड़ेगा इनसे, ठीक है, वहीं पर ही बता देंगे प्राइस। बट मैं स्टार्टिंग प्राइस बताना चाहूंगा आप लोगों को। अच्छा, इन एम्पलीफायर की स्टार्टिंग प्राइस कितने की होगी? इसकी तो होगी 35-36 हज़ार से ऊपर। 35-36 हज़ार वारंटी मिलेगा? 1 ईयर की वारंटी है, एक साल की वारंटी है, कुछ भी नहीं होगा। मॉस्फेट छोड़ गया, अगर मॉस्फेट खराब हो गया तो मॉस्फेट तो घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं, कहीं कोई नहीं कर लेगा, इजी सेट है बिल्कुल। ओके, सेम इसमें 1500-4500 वाट का 4 फैन बड़े बड़े मोटे दिए, डीसी फैन है, डीसी फैन देख सकते हो कितने, कम से कम 5 इंच के, 4 इंची का फैन है, 4 इंच का 4 फैन है, 4 फैन है, 4 इंच का डीसी फैन है। इसमें क्रॉसओवर दिया हुआ है, बड़ा प्लेट है, क्रॉसओवर इंपोर्टेड क्रॉसओवर लगा हुआ है। ओके, और रिले है चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ट्रांसफार्मर को, ये देख सकते हो रिले तो व्हाइट कलर के लगे हैं। मॉस्फेट इसमें भी 40 है, 40 मॉस्फेट है, सेम 4500 वाट का हैवी ट्रांसफार्मर के साथ। ठीक है, सेम कम से कम वही 36-37 हज़ार का मिल जाएगा। हाँ, उससे थोड़ा ज्यादा का 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं 5 के, तो जो इस SPV 5 के है प्रोटच का, प्रोटच एक नंबर धासु सेट है, जो कि गांव देहात में चलाने लायक है। ये गांव देहात में जब चलाएंगे हम, जनरेटर से चलाएं या बिजली से चलाएं, ये बैठेगा नहीं सर, इतनी पावर है इसके अंदर। मैंने इसको, इसका ट्रांसफार्मर बहुत हैवी करा हुआ है, बहुत हैवी ट्रांसफार्मर है, देखो हीटसिंग देख लो, एक्स्ट्रा लगा है। ठीक है, तो मतलब हीट होने का कोई सवाल नहीं है, इसमें हीटसिंग नहीं लगी थी, इसमें बोर्ड के साथ लगा हुआ था, बट इसमें अलग से हीटसिंग लगा हुआ है, बोर्ड के साथ अटैच है, और हमें गोल्डन कलर का हीटसिंग देखने को मिल रहा है। अगर मैं मॉस्फेट की बात करूँ, सेम 40 मॉस्फेट लगे इसमें, 40 मॉस्फेट है, और कितने वाट में होगा ये? 5000 वाट। ओके, हैवी क्वालिटी है। ओके, बहुत बढ़िया है, सेम 40-45 हज़ार का तो मिल जाएगा ये। इसमें आपको क्रॉस ओवर मिल जाएगा, ये देखने को मिलेगा, आप देखेंगे यहाँ पर ये क्रॉस ओवर है, ये क्रॉस ओवर मिल जाएगा आपको, जो कि SPV 5 के और 4 के में मिलेगा आपको क्रॉस ओवर। और टर्मिनल हमने हैवी टर्मिनल लगा रखा है, और छोटा मोटा नहीं था, पिघल जाए। हाँ, गर्म होने पे भी कुछ नहीं होगा, ब्रास का टर्मिनल है, पिघले काफी हैवी है। ठीक है, फैन इसमें 4 लगे, इसकी लीड भी बहुत हैवी है, कई जगह देखेंगे आप खुला लीड होगा, हमने प्लग लगाया, इंपोर्टेड प्लग लगाया, इंपोर्टेड लीड है, बिल्कुल सॉफ्ट लीड है, जैसे मर्जी मोड़ ले, मतलब मुड़ेगा तो टूटेगा नहीं। ठीक है, हाईपुर का ओवरलोड लगा रखा है, बहुत बढ़िया है, सॉकेट है, बिल्कुल सेम क्वालिटी वाइज सारा से, 4 फैन के अंदर है। इसमें जितने भी ये जो स्पेयर पार्ट्स है ओरिजिनल है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, और ये मार्केट में ही मिल जाएगा, हर जगह मिल सकता है, अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, इसी के साथ हमें प्रो टच का दूसरा ब्रांड देखने को मिल रहा है, कितने वाट का होगा? 6000 वाट का, 6000 वाट है। ओके, बहुत बढ़िया। मॉस्फेट की मैं बात करूँ, कितने मॉस्फेट होंगे इसमें? इसमें 60 मॉस्फेट होगा, 60। ये देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14-15 इसमें है, 15-15-30, 15-15-30, मतलब 30 इसमें, 30 इसमें, टोटल 60 मॉस्फेट है। ठीक है, कॉइल देख सकते हो, हैवी है, RS इसका मॉडल नंबर है। कैपेसिटर देख सकते हो, 6-8 कैपेसिटर लगे हैं, इसमें क्रॉस ओवर नहीं दे रखा, इसमें क्रॉस ओवर भी इम्पोर्टेड लगा हुआ है, इंपोर्टेड लगा है ना क्रॉस ओवर, इंपोर्टेड क्रॉस ओवर लगा हुआ है इसके अंदर। ओके, आप देखेंगे इसकी वॉल्यूम कंट्रोल भी बढ़िया, अल्फा का लगा हुआ है इसका वॉल्यूम कंट्रोल, एकदम बिल्कुल स्मूथ चलता है, ऑन ऑफ का स्विच, जापान टेक्नोलॉजी, ये मतलब जितने भी पार्ट्स इंपोर्टेड है ना, इंपोर्टेड सारा चीजें है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आप दिल्ली में करते हैं? दिल्ली में करते हैं। ओके, सेम इसी में दूसरा मॉडल मिल जाएगा आपको, गोल्डन कलर का डीजे 5000, ये भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग। ओके, ठीक है, चैनल कितना है इसमें? चैनल बी चैनल है, डुअल चैनल में मिलेगा। ठीक है, अगर मैं
पांच वोल्टेज की बात करूं 5000 वोल्टेज में मॉस्फेट आपको इजीली इसमें कितने में मिलेगा 40 मॉस्फेट। और ये कॉइल देख सकते हो 8B के का कॉइल है, क्रॉसओवर नहीं है ना इसमें सर? क्रॉसओवर है, इसमें क्रॉसओवर लगा हुआ है। ओके, ये देखेंगे आप, क्रॉसओवर है यहाँ पर। ओके, ये देख सकते हो, ये क्रॉसओवर लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आ जाएंगे 6000, ये जो है ZX 6000 हैवी क्वालिटी का, हैवी क्वालिटी में जो ZX 6000 है, बहुत बढ़िया सेट है ये। okay. इसका पावर काफी रनिंग में है क्या ये? बिल्कुल रनिंग में है ये बहुत, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है सबको। फोर फैन में है, डीसी फैन लगा हुआ है, चार डीसी फैन लगा है 4 इंच का। इसके अंदर फिल्टर भी आप देख सकते हो, कैपेसिटर देख सकते हो, 8 8 8 मतलब 4 4 4 8 12 कैपेसिटर लगे हुए। और ये ट्रांसफार्मर कितने हैवी है देख सकते हो, बहुत हैवी ट्रांसफार्मर है। और इसमें भी 60 मॉस्फेट है, 13 नंबर से वाइंडिंग हुआ है, कहीं ये जाने वाला नहीं है। इसकी पंच बहुत जबरदस्त आएगा, पंच बहुत जबरदस्त है। ओके, और बाकी आप देख सकते हो मॉस्फेट कितने लगे हैं इसमें, कितने मॉस्फेट होंगे इसमें? 64 मॉस्फेट होगा, 64 इसमें 60 था, इसमें 60 होगा, 60 मॉस्फेट है, 60 मॉस्फेट के साथ ये एम्पलीफायर है 6000 वाट का, ठीक है। आप इसको एक बार टेस्टिंग करके देख लेना सर के शॉप पे आके, आपको खुद मजा आ जाएगा, ठीक है। टोटल मैं बता देता हूँ, एम्पलीफायर और मिक्सर में डील करते हैं, ठीक है। फिल्टर लगा है इसमें, इसमें फिल्टर ये रहा, और क्रॉसओवर इसके अंदर लगा हुआ, इम्पोर्टेड क्रॉसओवर है, डीसी फैन है, और उसके बाद आप देखेंगे कि लीड इसका बहुत मोटी लीड है, लीड बहुत मोटी हैवी क्वालिटी का माल है, खराब होने का जलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों नाम नंबर एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, पता लगा सकते हो कहां पर इनका शॉप है, और बहुत सारी डिटेल आप ले सकते हो, ठीक है। आज के लिए बाय, अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, चलिए धन्यवाद।